देखो अभिमन्यु, यही है ना वो जगह? यही छे बाबा सिकंदर का गेस्ट हाउस। एक दो महीने में एक टाइम आता ही छे वो इधर। पर हम एक दो महीने चुपचाप बैठकर उसका इंतजार तो नहीं कर सकते। एक मिनट, ये कौन है? प्रिया, कैन यू लॉज देयर? श्योर। फरीद चाचा? फरीद चाचा उसी क्लब के मैनेजर बन के आए थे जहां मैं काम करती थी। डांस क्लब में मुझे अकेला समझकर लोगों ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन फरीद चाचा ने मुझे अपनी बेटी बना लिया। उन्होंने मुझे ऐसे लोगों से बचाया ही नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर पैसों से भी मदद की। फरीद चाचा, मेरे एक बार बुलाने पर आप यहाँ आए। थैंक यू सो मच। मैं तो यहाँ आ गया हूँ बेटी, मगर तुम लोग यहां से चले जाओ। तुम ही अभिमन्यु हो ना? तुमने करण शाह और इंस्पेक्टर अर्जुन की मदद करके अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी और बिटिया की जान को खतरे में डाल दिया। अरे मदद की गली में मत घुस, बाबा ने वैसे भी अपने को टपकाने का प्लान बनाया था। हाँ, मगर सलीम की मौत के बाद वो तुम लोगों को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। चाचा प्लीज, आपको अपनी बिटिया की मदद सिर्फ आखिरी बार करनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। जल्दी बोलो। हम जानते हैं कि आप बाबा के गेस्ट हाउस की देखभाल करते हैं। आपको हमें बस ये बताना होगा कि बाबा अगली बार वहाँ कब आने वाला है। बाबा से बचने के लिए तुम बाबा का ही पता पूछ रही हो? फरीद चाचा प्लीज, मैं आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ उस गंदगी में रहकर भी आपके अंदर का अच्छा आदमी अभी तक नहीं मरा। आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी समझकर बुरे लोगों से बचाया है। उसी अच्छे आदमी का वास्ता देकर मैं बोल रही हूँ, हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैं देखता हूँ, तुम लोग कल मुझे टाउन स्क्वायर पे मिलो 11 बजे। पता लगा लिया है, वो 2 दिन बाद वहां आएगा। उसकी कोई मीटिंग है। मैं तो अब भी यही कहूंगा कि कोई पागलपन मत करना, क्योंकि बाबा की सिक्योरिटी को पार करके उस तक आप लोग नहीं पहुंच सकते। और जहां तक मेरा ख्याल है, मैं आज के बाद आप लोगों को नहीं जानता। समझ गया, चल सुनिया। फरीद चाचा, मैं जिंदगी पर आपका यह एहसान। इसके पहले कि हमें कोई एक साथ देख ले, तुम लोग जाओ यहां से। तुम्हें केयरटेकर से बंगले का मालिक बना दूंगा। पर भाई, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? यही खत्म कर देते दोनों को। वो दोनों जाएंगे तो तीनों को साथ लेकर आएंगे।
मुझे सिर्फ दो उंगलियां नहीं काटनी आफताब, मुझे वो बुरा हाथ चाहिए जिसने मुट्ठी बनकर बाबा की तरफ बढ़ने की हिम्मत की है। उनके पास सिर्फ 48 घंटे हैं, सिर्फ 48 घंटे। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.